बारिश हो रही थी, मौसम बहुत मज़े का था, तो मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना मैंगो चटनी बनाई जाए। घर में मैंगो अवेलेबल थे और बाकी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल थे, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले चल के हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। सो आपको इस तरह के मैंगोज चाहिए, 2-3 जितनी आपने क्वान्टिटी में बनानी हो उस लिहाज से ले लीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ 2 अवेलेबल हैं, सो मैं इन 2 के बनाने वाली हूँ। और शुगर आपको चाहिए, और चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टेबल स्पून, क्यूमन सीड्स चाहिए 1 टेबल स्पून, विनीगर 2-3 टेबल स्पूनस, सॉल्ट चाहिए ऑलमोस्ट 1/2 टी स्पून, और साथ हमें जागरी चाहिए ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप ऑल टू ऑल मतलब 500 ग्राम जो है जगोई ही यूज़ करें, या फिर शुगर यूज़ कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो, या दोनों हाफ एंड हाफ फेशों से भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मैंगोज़ को ऐसे पील ऑफ करेंगे, और पील ऑफ करने के बाद स्लाइसेस करके उनके छोटे छोटे क्यूब्स और चंक्स बना लेंगे। सो अच्छा, मैंगोज़ जो है बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एज सच, खाने के लिहाज से मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है मैंगोस चटनी, मैंगोस अचार और मैंगोस सालसा सैलड, ओह माय गॉड, दोज आर माय फेवरेट वंस। सो क्यूब्स जो हैं वो कट चुके हैं, अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ये सारे क्यूब्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। मैंगोस ऐड करने के साथ ही हम सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। शुगर जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू योर मैंगो क्वांटिटी लेनी है, और क्योंकि मेरे मैंगोस 2 थे और ऑलमोस्ट वो 1/2 kg के बराबर थे, सो 100 ग्राम शुगर और 4 टेबल स्पूनस के लिहाज से जैगरी डाली, साथ ही मैंने सॉल्ट और क्यूमन सीड्स और विनीगर डाल दिया। ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ इन चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको 10-15 मिनट्स छोड़ देंगे। आफ्टर 8-10 मिनट्स जब सब चीज़ें आपस में घुल मिल चुकी हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, तो अब हम इसको मीडियम हीट को ऑन करेंगे, और इसमें कोई पानी नहीं डालना, सिर्फ हम इसको अब कवर अप कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आपने बीच में 1-2 दफ़ा के इसमें स्पून को ज़रा मिक्स करके हिला के चेक करते रहना है। हीट जो है वो मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे और कम होगी तो बिल्कुल नहीं पकेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे मेरे जो मटन और कार्टोफिल क्या कहते हैं इसको, हाँ आलू गोश्त हैं, वो रेडी हो चुका है बहुत मज़े का। और यहाँ पे मैंगोज़ ने देखें अपना ही इतना पानी छोड़ दिया कि हमें इसमें कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1-2 दफ़ा आपने इसको हिला देना है चम्मच को ताकि ये नीचे ना लग जाए, और फिर दोबारा से कवर अप कर देना है। और जनाब वेदर देखें कितना खूबसूरत हो गया था, और ये वाली चटनी और साथ समोसे और बारिश हो तो बस और क्या चाहिए। सो आफ्टर 8-10 मिनट्स एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसको मिक्स किया, और बबल्स देखें कितने खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत अरोमा पूरे घर में फैला हुआ था, बल्कि घर से बाहर तक जा रहा था। आई एम श्योर के लोगों के दिल भी ललचा रहे होंगे कि ये किसके घर में क्या चीज़ बन रही है। तो चिली फ्लेक्स जो हैं वो मैंने थोड़े से और ऐड कर दिए क्योंकि मुझे थोड़े कम लग रहे थे, और इस तरह एक दफ़ा फिर से मिक्स अप करके अच्छी तरह फिर इसको कवर अप करके हमने फिर 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। एंड आफ्टर 1 decade, नो आई एम जस्ट किडिंग, आफ्टर 15-18 मिनट्स आपकी ये वाली जो है शक्ल निकल आएगी, मैंगोज़ जो हैं टोटली ट्रांसलेशन हो जाएंगे,
और ये इस तरह का आपका जो शीरा है या उसके अंदर जो ग्रेवी है इस टाइप की बन जाएगी। सो यहाँ पे हमने चूल्हा ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। सो आफ्टर सम टाइम आपकी जो मैंगो चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो उसको स्टोर करने के लिए आपने इस तरह का ग्लास जार लेना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। और देखें कितनी खूबसूरत शक्कर निकला है, और बनने के बाद ये देखें थोड़ी सी बन जाती है, इसलिए आप थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएँ तो बेटर होगा। आप इसको आराम से 1 to 2 मंथ तक तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो अब हम इसको डालेंगे और डाल के इसको चेक करते हैं कि बनी कैसी है ये। और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो मैंगो की ये मज़ेदार सी चटनी आप घर पे बनाएं और मज़े से समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ खाएं। बहुत मज़े की है, बिलीव में ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी तो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। और इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की और चटपटी सी चटनी है, बहुत मज़ेदार है। आप ही बनाएं और इन्जॉय करें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है चटनी। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन खुदा हाफिज़। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल माई कोज़ी लिटिल होम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।